नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पे, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ऑनलाइन क्लासेस। आपसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जो नए नए वीडियोज रिलीज होते रहे उनकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि हम आपके लिए रोज नए नए टॉपिक्स पे वीडियो ला रहे हैं, तो अभी जो लेटेस्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा डीबीएमएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जितने टॉपिक अभी तक अपन ने कवर किए हैं डीबीएमएस में, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का बैंक बनाया, उससे कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। तो आज उसी का वीडियो मैं आपके लिए रिलीज कर रहा हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं डीबीएमएस से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस आज के क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो है कि डीबीएमएस क्या है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने इसके, हार्डवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन एंड प्रोवाइड अनकंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। तो पहली बात, क्योंकि डीबीएमएस जो है वो हमारा हार्डवेयर सिस्टम नहीं है, डीबीएमएस जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो पहला ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन, हार्डवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट, ये भी हार्डवेयर सिस्टम है, तो हार्डवेयर डीबीएमएस क्या नहीं होता है, हार्डवेयर सिस्टम होता ही नहीं डीबीएमएस। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे इसमें नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस, क्योंकि डीबीएमएस के हमने बारे में डिस्कस किया था। डीबीएमएस क्या है, बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए यूज होता है, डेटा बेस क्रिएट करने, मेंटेन करने और उस डेटा बेस से जो भी रिलेटेड कंट्रोल एक्सेस मेंटेन करने में। तो इसका ऑप्शन है सही जो है सी होगा, डी ऑप्शन भी हम देख सकते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन प्रोवाइड अनकंट्रोल्ड। तो ये अनकंट्रोल वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो क्योंकि डेटाबेस के अंदर आपने देखा है कि डेटाबेस का जो एक्सेस है वो कंट्रोलेड होता है, कि आप जिस भी तरीके से डेटाबेस के सिस्टम जो डेटा है उसको फेच करना चाहो कंट्रोल वे में कर सकते हो। तो इसमें डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी। तो राइट ऑप्शन है सी दोस्त, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ ए डेटाबेस इज आर, डेटाबेस की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ऑप्शन, डेटा स्टोर इन डेटाबेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट, क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होता है, जो कि करेक्ट, एप्ली ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इस पे यूज कर रहा है उससे इसका कोई रिलेटेड नहीं होता, तो डेटा अपना तरीके से स्टोर होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि जो इंडिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से, उस पर कोई उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती। MySQL अलग तरीके का डेटाबेस है जो हर एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होता है। इट कंसोलिडेटेड सेपरेट फाइल्स इनटू ए कॉमन पूल ऑफ ए डेटा रिकॉर्ड, ये भी यहाँ पे आपका सही आंसर सही है, क्योंकि ये भी डेटाबेस की प्रॉपर्टी होती है, क्या करता रहता है, कंसोलिडेट सेपरेट फाइल्स इनटू ए कॉमन डेटा रिकॉर्ड, एक ही डेटा रिकॉर्ड के अंदर सेपरेट फाइल्स रखता है, मतलब एक ही डेटाबेस में आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स स्टोर कर रहे हो, तो ये भी इसकी डेटाबेस की प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है, इंटीग्रेटेड लॉजिकली रिकॉर्ड का कलेक्शन है, एंड द फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टी है डेटाबेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीबीएमएस यू कैन क्रिएट ए फाइल, डिलीट ए फाइल, रिट्राइव ए फाइल, ऑल द अबो, तो सही आंसर है ऑल द अबो, क्या है, ऑल द अबो, इसका भी जो सही आंसर होगा दैट इज ऑल द अबो, क्योंकि डेटाबेस में क्या है, ये सारी फाइल क्रिएट की जा सकती है, क्रिएट भी की जा सकती है, डिलीट भी की जा सकती है और रिट्राइव भी की जा सकती है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर, ट्रांजेक्शन फाइल जो क्या स्टोर करती है, ट्रांजेक्शन फाइल जैसे डेटा रेयरली चेंज, डेटा दैट नेट नेवर चेंज, डेटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस एंड डेटा इज एरर है। ट्रांजेक्शन फाइल का दोस्तों मतलब क्या होता है, कि एक ऐसी फाइल जो आपके ट्रांजेक्शन को स्टोर कर रही है। तो बेसिकली डेटाबेस के अंदर हमेशा ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा कि डेटा दैट फ्रिक्वेंटली चेंज, जो ट्रांजेक्शन फाइल्स क्या करती है, जो डेटा फ्रिक्वेंटली चेंजेस होता रहता है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन यदि आप कर रहे हो तो डेटा बार बार चेंज हो रहा है, तो ये जो ट्रांजेक्शन फाइल है वो क्या करेगी, उस डेटा को फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है डेटा को उसको स्टोर करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि ट्रांजेक्शन फाइल का मीन्स क्या हुआ,
जो डेटा को फ्रिक्वेंटली, क्योंकि ट्रांजेक्शन बार बार हो रहे हैं, तो ये क्या है, फ्रिक्वेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ये क्या करती है, स्टोर करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रिलेशन डेटाबेस। इसमें से कौन सा डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं है। हमने देखा था कि टेबल, एट्रीब्यूट, हायरार्की और एंटिटी। तो देखिए दोस्तों, हमने कंपोनेंट ऑफ आरडीबीएमएस के बारे में जो सबसे पहले बात की, तो क्योंकि आरडीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर जो होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, तो दैट इज मींस इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस का ये कंपोनेंट है। एट्रीब्यूट, क्योंकि हम बात करते हैं कि एट्रीब्यूट रिलेशन आरडीबीएमएस के अंदर एट्रीब्यूट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बेसिकली किसी टेबल का जो फील्ड होता है वो ही क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। तो इसमें ये भी टेबल का मतलब आरडीबीएमएस का कंपोनेंट है। हायरार्की जो होती है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ डीबीएमएस होता है, जिसमें आरडीबीएमएस का कोई रोल नहीं होता है। हायरार्की डेटाबेस एक अलग से ही टाइप का डेटाबेस है, आरडीबीएमएस में उसका कोई कंपोनेंट, कोई रोल नहीं होता है। एंड एंटिटी, एंटिटी बिल्कुल एक कंपोनेंट होता है रिलेशन डेटाबेस का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्या होगा सी, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ रिलेशन डेटाबेस क्या नहीं है, दैट इज हायरार्की। तो इसी भी जो रिलेशन डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं है वो है आपकी हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, कौन सी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो यूनिक वैल्यू स्टोर करती है आपकी, कौन सी की होती है, प्राइमरी की जो यूनिक वैल्यू स्टोर करती है, वहां पे कोई भी वैल्यू क्या नहीं होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा बी, प्राइमरी की एक ऐसी वैल्यू है, ऐसी की है जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हो। एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट कैन रीस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक ऐसा पार्ट डेटाबेस का दैट कैन रीस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस को रीस्टोर कर सकता है टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड। जहां फेलियर कॉल्ड होता है, फेलियर होता है, उससे पहले जो डेटाबेस को वापस से रीस्टोर कर सके उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऐसा इनिशियल इंटीग्रल पार्ट किसी भी डेटाबेस का जो उसको वापस से रिस्टोर कर सके वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रिकवरी स्कीमा नहीं, रिकवरी स्कीमा नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या करना है, डेटा को रिस्टोर करना है। डेटा को रिस्टोर करने का मतलब क्या है, हमें क्या होना चाहिए, जब भी कोई भी फेलियर होता है तो डेटा कहाँ से रिस्टोर होता है, हमें पता है कि जब भी कोई फेलियर होता है, तो हमने डिस्कस किया था रिस्टोर एंड बैकअप वाले चैप्टर्स में कि फेलियर होने पे से हम जो डेटा को वापस से रिस्टोर करते हैं वो बैकअप स्कीम से करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस दैट कैन रिस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेल, भी फेल होने से पहले यदि आप डेटाबेस को स्टेट कर देते हो, वो बैकअप स्कीम से होगा, किससे होगा, बैकअप स्कीम से। करेक्ट आंसर है इसके अंदर बैकअप स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज टू डेवलप बैकएंड ऑफ एन एप्लीकेशन, बैकएंड में कौन सा यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में हमें पता है कि जो बैकएंड में जो एप्लीकेशन यूज की जा रही है वो कौन सी होगी, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमेशा फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है, तो ये इसमें आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट कुछ आपका बैकएंड का कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, फॉर्म भी बेसिकली फॉर्म और स्टेटमेंट किसी एप्लीकेशन के एक तरीके से कोज होते हैं, तो ये दोनों इसमें होंगे नहीं। तो बैकएंड का जो एप्लीकेशन है वो होता है हमेशा डेटाबेस, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो तो जो डेटाबेस है वो बैकएंड ही रन होता है, और फ्रंट एंड उसका कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द लैंग्वेज या जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, पर जो डेटाबेस है वो हमेशा बैकएंड ही होता है। तो करेक्ट आंसर है डेटाबेस इज यूज टू डेवलप बैकएंड ऑफ एन एप्लीकेशन। तो डेटाबेस हमेशा किसी भी एप्लीकेशन का क्या होता है, बैकएंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमने देखा था कि ओरेकल, माई एस क्यू एल, एम एस एक्सिस, ये सब डेटाबेस के टाइप के सॉफ्टवेयर है, पर ड्रूपल आपका एक तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ड्रूपल यहाँ पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी, ड्रूपल कौन सा इसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, डीबीएमएस कौन सा नहीं है, ड्रूपल। करेक्ट आंसर है 9 में बी, ड्रूपल इसमें करेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड इन एमएआरसी कोड, मतलब मार्क के अंदर टर्म्स और रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। तो मार्क
अंदर बेसिकली जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब होता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस ही क्या करता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिस्टम आपके कोई भी रिकॉर्ड को स्टोर नहीं करता है, नेटवर्क कोई रिकॉर्ड को स्टोर नहीं कर रहा है, वो केवल डेटा को ट्रांसफर करने में काम आ रहा है, वेबसाइट भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर जी को कि किसी भी डेटा को जो रिकॉर्ड हो स्टोर हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस पे जाके स्टोर हो रहा है, तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का जो होगा दैट इज डेटाबेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड दैट कैन ट्रीटेड एज ए यूनिट बाई सम एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स का हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स क्या कहलाता है, आपका रिकॉर्ड कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स रिकॉर्ड कहलाता है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए यूनिट बाय सम एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ये ट्रीट किया जा रहा है, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, रिकॉर्ड, क्योंकि ए रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए यूनिट बाय सम एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है इसमें रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए वैलिड कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का वैलिड कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो हमने देखा था ईआर डायग्राम के अंदर कि आपका इसमें से जो ऑप्शन है, डैशेड लाइन, डैश लाइन, डबल लाइन, डबल रेक्टेंगल और डैश एलिप्स। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हम ईआर डायग्राम की हम बात करें तो डबल लाइंस आपका हमने देखा था कि ईआर डायग्राम का कंपोनेंट है, डबल लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप की कार्डिनिटी को, कि ये टोटल कार्डिनिटी है, पार्शियल कार्डिनिटी है, तो ये तो कंपोनेंट है, ठीक है। डबल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल मीन ये, क्योंकि डबल रेक्टेंगल भी बेसिकली क्या है, एक तरीके से आपका रिलेशन को शो करता है, तो डबल रेक्टेंगल भी आपका कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम है। डैशेस लाइन, डैशेस एलिप्स, डैशेस एलिप्स जो है वो ड्राइव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी ड्राइव एट्रीब्यूट है वो डैशेस से ही रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हमारे पास आता है वो होता है डैशेस लाइन। डैश लाइन कोई भी इसमें यूज नहीं होता है, तो कोई भी कंपोनेंट नहीं है ईआर डायग्राम का, वो है आपका डैश लाइन। करेक्ट आंसर है इसमें डैश लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट की इन डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला है, ए सुपर की इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की, ए प्राइमरी की इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की, ए प्राइमरी की इज ऑल्सो मिनिमल की, ए मिनिमल सुपर की इज ए कैंडिडेट की। तो देखिए दोस्तों, इस पे हमको जो इस क्वेश्चन का जी सोल्व करना है, तो हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि हमने कीज के बारे में डिस्कस किया था, तो प्राइमरी की जो क्या होती है, एक यूनिक की होती है और एक किसी टेबल में एक ही होती है। और कैंडिडेट की क्या होती है कि और भी यदि कोई भी आपके टेबल के अंदर यूनिक की वैल्यू कोई आ रही है जो प्राइमरी बन सके, बट उसको भी हम क्या बोलते हैं, सेकेंड जो यूनिकली आइडेंटिफाई की है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट है, वो आता है आपका कैंडिडेट की, ठीक है। तो यहाँ पे ए सुपर की जो ऑल्सो कैंडिडेट की, क्योंकि हमने जब सुपर की के बारे में डेफिनेशन में बात किया था, तो सुपर की बेसिकली मिनिमम आपका इस एक तरीके से क्या होता है, यूनिक टपल होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो सकता है कि सुपर की जो ऑल्सो कैंडिडेट की, कोई भी जो सुपर की है, सुपर जो सबसे प्रीमियर हो, तो वो होती है आपकी प्राइमरी की से भी ऊपर वाली। तो क्योंकि कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो वो भी प्राइमरी की ही होती है, तो सुपर की क्या हो सकती है, आपकी कैंडिडेट की भी हो सकती है, क्योंकि वो प्राइमरी से भी ऊपर होती है। तो ये ऑप्शन इसमें हो सकता है। तो बट हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए प्राइमरी की इज ऑल्सो कैंडिडेट की, नहीं, कैंडिडेट की प्राइमरी हो सकती है पर प्राइमरी की कैंडिडेट नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी की अलग तरीके से एक टेबल में एक ही होती है, बट कैंडिडेट की और भी दूसरी हो सकती है, वो प्राइमरी नहीं हो सकती है। तो नॉट करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्राइमरी की ऑल्सो मिनिमम की, नहीं, प्राइमरी की मिनिमम की कभी नहीं होती है, यूनिक की होती है। ए मिनिमम सुपर की से कैंडिडेट की, नहीं, सुपर की तो आपकी सबसे सुपर होती है, तो मिनिमम सुपर की नहीं होती है, मैक्सिमम एक तरीके से आपकी जो सुपर की होती है वो कैंडिडेट की होती है, सुपर की ही क्या होती है, कैंडिडेट की होती है, मिनिमम सुपर की नहीं होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा
सुपर की जो तो है कैंडिडेट की, सुपर की क्या आपकी कैंडिडेट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नोटेशन इन ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम में कौन सा करेक्ट नोटेशन है। एंटिटीज आर ओवल, क्या एंटिटीज ओवल में होती है, नहीं ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, सेकंड है रिलेशनशिप आर रेक्टेंगल, रिलेशनशिप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं क्योंकि रेक्टेंगल से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है आपका एंटिटी, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एट्रीब्यूट आर डायमंड्स, एट्रीब्यूट्स है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायमंड से। एंड वीक एंटिटी आर डबल रेक्टेंगल, तो वीक एंटिटी आपको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट की जाती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। और एट्रीब्यूट हमेशा एलिप्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि वीक एंटिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट की जाती है। व्हाट इज आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी फॉर ए सेट ऑफ लीगल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन हैव, व्हाट इज द आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी फॉर ए सेट ऑफ लीगल वैल्यू, सेट ऑफ लीगल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। एट्रीब्यूट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि इसने जो आंसर दिए हैं कि आरडीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी के अंदर फॉर ए सेट ऑफ लीगल वैल्यू, एक सेट ऑफ लीगल वैल्यू जो है दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, जो एक एट्रीब्यूट स्टोर करता है वो क्या हो सकता है आपका, तो यहाँ पे लीगल वैल्यू जो एट्रीब्यूट स्टोर करता है बेसिकली वो क्या होता है, उसकी डोमेन होता है। हमने डिस्कस किया था कि जो कोई भी लीगल वैल्यू आ रही है किसी भी एट्रीब्यूट की, वो स्पेसिफिक रेंज में आ रही है, वो कहलाता है उसका डोमेन। तो लीगल वैल्यू आ रही है क्योंकि टपल क्या होता है, टपल बेसिकली एक तरीके से रिकॉर्ड होता है, रो होता है, तो आरडीबीएमएस टपोलॉजी में टपल्स का मीन ही होता है, तो ये यहाँ कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। रिलेशन बेसिकली दो टेबल्स के बीच में इंटर रिलेट करने के लिए जो भी है वो एक दूसरे किस तरीके से रिलेटेड होती है वो होता है उसका रिलेशन, तो यहाँ पे इसका आंसर रिलेशन भी नहीं होगा। एट्रीब्यूट के बारे में मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन करती है किसी भी एंटिटी की, तो ये भी इसमें टर्मोलॉजी नहीं। बट सेट ऑफ लीगल वैल्यू, डोमेन क्या होता है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लीगल वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डोमेन। करेक्ट आंसर क्या होगा, डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिस टेलीफोन एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ ऑफिस। तो देखिए ऑफिस एक टेबल है जो रिप्रेजेंट कर रही है ऑफिस नंबर, टेलीफोन नंबर, ऑक्यूपेंट, ईच ऑफिस इज ए यूनिक ऑफिस नंबर, तो यहाँ पे यूनिक ऑफिस नंबर है तो मतलब ये प्राइमरी की है आपकी। देयर इज ओनली वन टेलीफोन इन ईच ऑफिस एंड टेलीफोन नंबर इज यूनिक, तो ये जो टेलीफोन नंबर है वो आपकी दोबारा भी यूनिक है, मतलब ये भी एक तरीके से क्या होगा, उस टेबल में पार्ट होगा, तो इसको हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। ईच ऑफिस इज ऑक्युपाइड बाय ओनली वन पर्सन, ऑल तो ए पर्सन मे हैव मोर देन वन ऑफिस, तो एक पर्सन एक ऑफिस को ऑक्युपाई कर रहा है, बट आपका ए पर्सन मे हैव मोर देन वन ऑफिस, एक ऑफिस एक ही पर्सन के थ्रू ऑक्युपाई हो रहा है, बट एक पर्सन एक ऑफिस एक पर्सन मे हैव मोर देन वन ऑफिस, एक पर्सन के बहुत सारे ऑफिस है, एक ऑफिस एक ही पर्सन के थ्रू ऑक्युपाई हो रहा है, दैट्स मीन, और एक पर्सन बहुत सारे ऑफिस के को ऑक्युपाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्युपेंट्स इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर पर्सनल ऑक्युपाइंग रूम, तो बीच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑफिस नंबर एंड टेलीफोन नंबर बहुत कैंडिडेट की, दोनों कैंडिडेट की हो सकती है और दोनों प्राइमरी की हो सकती है, बट हमने देखा यूनिकली एक है तो वो होगी आपकी प्राइमरी की। ऑफिस नाम टेलीफोन नंबर एंड ऑफिस एंड नाम टेलीफोन नंबर आर ऑल कैंडिडेट की, ऑफिस नाम एंड ऑक्यूपेंट एंड टेलीफोन और ऑक्यूपेंट आर बोथ कैंडिडेट की, तो ये सी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है, ऑफिस मस्ट बी प्राइमरी की, ऑफिस नाम इज मस्ट बी प्राइमरी की, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है कि ऑफिस नंबर जो है वो क्या होगा आपका प्राइमरी की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, वन टू वन, क्या एक स्टूडेंट एक ही कोर्स पढ़ता है, नहीं, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स पढ़ सकता है और एक कोर्स भी बहुत सारे स्टूडेंटों से पढ़ा जा सकता है,
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा देखा था कि वन टू वन नहीं हो सकता है, वन टू मेनी, वन टू मेनी का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट ही बहुत सारे कोर्स पढ़ रहा है, नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोर्स भी बहुत सारे स्टूडेंटों से टीच किया जा सकता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, मेनी, मेनी टू मेनी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, मेनी टू मेनी, वहां पे रिलेशनशिप हो रहा है क्योंकि एक एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स पढ़ रहा है, बहुत सारे कोर्स भी बहुत सारे स्टूडेंटों से पढ़ा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी। करेक्ट आंसर होगा इसमें सी, मेनी टू मेनी। कोऑर्डिनेटिव रेशियो स्ट्रॉन्ग एंटिटी से रेशियो वीक एंटिटी से इन देयर बाइनरी आइडेंटिफिकेशन रिलेशनशिप इज। अब हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट, बेसिकली वीक एंटिटी सेट क्या होता है, जो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करता हो, सेट इन देयर बाइनरी आइडेंटिफिकेशन रिलेशनशिप। बाइनरी आइडेंटिफिकेशन रिलेशनशिप का मतलब है कि दो एंटिटी यदि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो बाइनरी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो यहाँ भी एक वीक एंटिटी है और ये क्या है आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यदि ये दोनों आपस में किसी रिलेशनशिप से एस्टेब्लिश है, जैसे कि यहाँ पे लोन की इंस्टॉलमेंट किस पे डिपेंड है, लोन पे, लोन एक एंटिटी है और ये इंस्टॉलमेंट इस पे डिपेंडेंट है, जब लोन होगा तभी इंस्टॉलमेंट चालू होगी, और यहाँ एक रिलेशनशिप होता है ब्राउज, मतलब उधार लेने का। तो क्या क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटिव रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट इन देयर बाइनरी रिलेशनशिप इज वन टू वन। एक लोन के लिए एक इंस्टॉलमेंट होगी और एक इंस्टॉलमेंट के लिए एक ही लोन होगा। वन टू मेनी, क्या वन टू मेनी हो सकता है? वन टू मेनी का मतलब क्या है, किसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक एंटिटी के लिए, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए उस पर डिपेंडेंट बहुत सारी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। एक लोन की यदि मैं बात करूं, इसको हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, यदि एक लोन की मैं बात करूं तो उसकी क्या बहुत सारी इंस्टॉलमेंट हो सकती है? नहीं, एक लोन की एक ही इंस्टॉलमेंट होगी। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं होगा आपका, स्ट्रॉन्ग मेनी टू वन, क्योंकि मेनी टू वन आपकी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी यदि मेनी होती है और वीक एंटिटी एक ही होती है उसकी, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, वन टू वन। करेक्ट आंसर क्या होगा, वन टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईआर डायग्राम इज रिप्रेजेंट बाय डैशेड एलिप्स। डैशेड एलिप्स से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है ईआर डायग्राम में डैश एलिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ड्राइव एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सिंपल सा सी, क्योंकि ड्राइव एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैशेड लाइन से। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट बाय डैशेड एलिप्स से क्या हो जाता है, ड्राइव एट्रीब्यूट। करेक्ट आंसर है ड्राइव एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रो इन रिलेशन नोन एज। रो को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रो को हम बोलते हैं टपल या त्रिकोण। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा, कलेक्शन ऑफ कमांड एंड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा ऑल दी। तो क्योंकि बेसिकली डीबीएमएस क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा, आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है। करेक्ट आंसर, कलेक्शन ऑफ कमांड, बहुत सारे क्यूरीज कमांड आप दे सकते हो, इंटर रिलेटेड डेटा का कभी कलेक्शन है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कोड। करेक्ट आंसर क्या है, कोड। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, इन ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल आपको रिप्रेजेंट करता है आपको एंटिटी से। तो रेक्टेंगल्स यहाँ पे कहा जा रहा है, रेक्टेंगल्स इन ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट एंटिटी सेट। रेक्टेंगल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारी एंटिटी सेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टपल, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ रिलेशन एंड सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डोमेन। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आंसर होगा, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टपल। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ टपल, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो बेसिकली लिस्ट ऑफ टपल नहीं होता, टपल मतलब लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा आपका फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता है।
सेकंड है सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट भी नहीं होता सबसेट कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ रिलेशन, लिस्ट ऑफ रिलेशन तो बेसिकली टेबल ही होगी तो वहां पे कोई सबसेट नहीं बनेगा। सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डोमेन, हाँ लिस्ट ऑफ डोमेन्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हो इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स दैट लिस्ट ऑफ डोमेन्स होगा। लिस्ट ऑफ डोमेन्स से आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से प्रोडक्ट कार्टेशियन कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल, टपल किसके थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है, तो इसमें क्या होगा स्कीमा एट्रीब्यूट सुपर की और डोमेन, क्योंकि हमने बात की थी कि यूनिकली आइडेंटिफाई जो की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, आपसे की के थ्रू, और यहाँ पे की क्या है सुपर की। तो सुपर की क्या होती है, बेसिकली सुपर की जो होती है वो सबसे सुपर एट्रीब्यूट होता है किसी भी टेबल का, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई टपल क्या होती है बेसिकली सुपर की होगी इसमें से। तो यूनिकली आइडेंटिफाई टपल मीन आपकी सुपर की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और क्वेश्चंस लाएंगे, इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक और कवर करेंगे। एक और वीडियो रहेगा हमारा और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए और लाएंगे। धन्यवाद।